उत्तर पश्चिम राजस्थान का नामचीन शिक्षण संस्थान है सिंथेसिस, जिसका अर्थ है सृजन। इसी सिंथेसिस और सुशीला केशव संस्थान की परिकल्पना से सृजन हुआ प्रज्ञानम संस्थान का, जो कि एक पूर्णतः शिक्षा और समाज को समर्पित गैर व्यावसायिक संस्थान है, जिसमें पूरे व्यावसायिक तरीके से प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए निशुल्क शिक्षण किया जाता है। प्रज्ञानम संस्थान में आर्थिक रूप से असक्षम किंतु मेधावी छात्र छात्राओं को सिंथेसिस की कुशलतम फैकल्टी और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। आइए मिलते हैं प्रज्ञानम संस्थान के निदेशक, व्यवस्थापक व संरक्षक डॉक्टर केडी शर्मा साहब से। सेवा संस्थान द्वारा संचालित प्रज्ञानम कोचिंग गत वर्ष 2 अक्टूबर 2019 से शुभारंभ हुआ और इस संस्थान में वही उन्हीं लड़कों को एडमिशन मिलता है जिनके परिवार की मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक नहीं हो तथा 10th क्लास में उसके 60% मार्क्स हो। सिंथेसिस में जो पढ़ाते हैं वही टीचर्स यहाँ पढ़ाने आते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ के जो प्रज्ञानम की एकेडमिक डायरेक्टर हैं मिसेज एकता गोस्वामी तथा उनके सहयोगी श्रीमती खुशबू, दोनों ही जो है वो शैक्षणिक कार्य का देखभाल करते हैं। जो सिंथेसिस के डायरेक्टर्स हैं श्री मनोहर बजाज, श्री श्वेत गोस्वामी तथा श्री देख मंजी सुधार, तीनों यहाँ पर बच्चों का मार्गदर्शन के लिए आते हैं और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए टिप्स और बताते हैं। यहाँ संडे को टेस्ट होते हैं, टेस्ट की कॉपियाँ जाती जाती है और टेस्ट में जो भी बच्चों की कमियाँ है वो टीचर्स कमियों को दूर करते हैं। यहाँ किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। यहाँ बच्चों को नेगेटिव कोचिंग देते हैं बल्कि सुसंस्कारित भी करते हैं। मेरे सारे बच्चों की शुभकामना है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को भविष्य समाज सेवा और शिक्षा को समर्पित प्रज्ञानम की अकादमिक निदेशक श्रीमती एकता गोस्वामी। पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 2019 में प्रारंभ किया गया और एक साल सभी टीचर्स की मेहनत से बच्चों ने अच्छे परिणाम देके इसको प्रज्ञानम संस्थान को सफल बनाया। उसके लिए मैं सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। लॉकडाउन के कारण अभी बच्चे नहीं आ सके थे, फिर हमने उन्हें 1 फरवरी से कक्षाएं प्रारंभ की, तो पुराने बच्चे हैं वो सब आए हैं और उनकी लगातार वैसे ही कक्षाएं लग रही हैं। उनकी टेस्ट सीरीज भी चालू कर दी जाएगी और 11th में भी लगभग जितने हमें प्रवेश चाहिए वो लगातार आ रहे हैं और अच्छे बच्चे आ रहे हैं। पिछले वर्ष के परिणामों को देखते हुए लगता है इनमें हमें प्रतिभावान छात्र जरूर मिलेंगे जो हमें रिजल्ट देंगे, उसके लिए इनको बेस्ट विशेस। और साथ में मैं श्री केडी शर्मा सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो सीधा ही हम लोगों को भी प्रेरणा देते हैं। बच्चों में आज भी जज्बा है कि वो बच्चों को स्वयं पढ़ाते हैं और उनको अनुशासन में रखते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को प्रज्ञानम पर सिंथेसिस निदेशक मैनेजमेंट श्री मनोज बजाज के विचार। सुशीला केशव सेवा संस्थान तथा सिंथेसिस के संयुक्त तत्वाधान में 2 अक्टूबर 2019 से प्रज्ञानम निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं प्रारंभ की गई है। उसमें चयनित सभी विद्यार्थियों को, जिसमें हम हर वर्ष आवेदन लेते हैं, इस वर्ष चयनित सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आप सभी पूरे मनोयोग से तैयारी करते हुए अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करें, डॉक्टर व इंजीनियर बनके अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करें। प्रज्ञानम निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं एक ऐसा एग्जाम्पल है इंडिया में, बिहार के सुपर 30 के बाद सेकेंड एग्जाम्पल है जहाँ ऐसी निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं IIT और नीट के लिए लग रही है। सुपर 30 सिर्फ IIT के लिए लगता है जबकि IIT और नीट दोनों के लिए लग रही है। सुपर 30 में 30 विद्यार्थियों को देते हैं। हमने यहाँ प्रयास किया है कि 11th के 50 और 12th के 50 अर्थात कुल 100 विद्यार्थियों को हम ये लाभ देवे नीट व IIT की तैयारी हेतु। तो यही इसी तरह से सुपर 30 तथा प्रज्ञानम जैसी और भी कोचिंग्स निःशुल्क कोचिंग विद्यार्थियों के लिए खुले पूरे हिंदुस्तान में,
ताकि जो हिंदुस्तान का ऐसा तबका है जो योग्य है लेकिन आर्थिक अभाव में ऐसी कोचिंग नहीं ले पा रहा, उनको भी ये कोचिंग मिल पाए। ऐसा मेरी सभी कोचिंग संस्थानों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी कोचिंग प्रारंभ की जाए। श्री जेठमल सुथार, प्रशासनिक निदेशक सिंथेसिस ने प्रज्ञानम के बारे में बतलाया। एकेडमिक सिस्टम उसको संभाल रहा है। विशेष रूप से ये ऐसे अभिभावक भी होते हैं जो सिंथेसिस में आते हैं लेकिन यहाँ फीस उनको लगता है कि कंपैरेटिवली ज़्यादा है, उसके कारण से वो पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं बच्चों को, तो उनके लिए भी हमने ये ऑप्शन उपलब्ध करवाया है। तो आपके आसपास ऐसा कोई योग्य विद्यार्थी है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, उसको बताइए, प्रज्ञानम ऑफिस में संपर्क कीजिए। और इवन वहाँ किसी कारण से आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप सिंथेसिस में आकर के भी जानकारी हासिल कर सकती है। तो हमारी ये कोशिश है कि जो आज एकदम अंतिम पायदान पर खड़ा है उस विद्यार्थी को भी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और वो बच्चा भी आज आर्थिक कारणों से वंचित नहीं रहे, तो इसके लिए हमने कोशिश की है। आशा है आप सभी का सहयोग मिलेगा। सिंथेसिस के अकादमिक निदेशक डॉक्टर श्वेत गोस्वामी द्वारा प्रज्ञानम पर जानकारी देते हुए मैं कहा। डॉक्टर श्वेत गोस्वामी, अकादमिक निदेशक सिंथेसिस। आज से 15 वर्ष पूर्व बीकानेर में सिंथेसिस की स्थापना की गई। ये ऐसे विद्यार्थियों के लिए स्थापित संस्थान था जिन्होंने डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने देखे थे। इससे पूर्व एक सुव्यवस्थित संस्थान बीकानेर में नहीं था, तो हम इस सोच के साथ सिंथेसिस की स्थापना कर रहे थे कि जिस बच्चे को भी डॉक्टर और इंजीनियर बनना है उसे बीकानेर से बाहर क्यों जाना पड़े। समय बीता और सिंथेसिस ने अपना स्थान बना लिया। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से असक्षम थे और संस्थान में आया करते थे तो हम उन्हें विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप दिया करते थे, लेकिन फिर भी ये आवश्यकता महसूस हुई कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो तो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाते, तो हमें एक ऐसा संस्थान जो है वो बनाना चाहिए जो पूर्णतः निःशुल्क, राह नहीं दिखाई दे रही थी। फिर हमारी मुलाकात डॉक्टर केडी शर्मा साहब से हुई। डॉक्टर केडी शर्मा साहब सुशीला केशव शिक्षण संस्थान चलाते थे और अब भी चला रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर हमने एक ऐसे संस्थान की परिकल्पना की जिसे प्रज्ञानम नाम दिया गया। स्थान उन्होंने प्रोवाइड किया, उनके संरक्षण में सिंथेसिस ने अपनी टीचिंग टीम वहाँ पर दी और उसके बाद हमने ये कार्य, जो एकेडमिक कार्य होता है, वो पूर्णतः संभाल लिया। अब ऐसे बच्चों का वहाँ पहुँचना शुरू हुआ जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे लेकिन संघर्ष कर रहे थे। हमने उन्हें हमेशा कहा कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो हम ऐसे बच्चों की सहायता करना चाहते थे और प्रज्ञानम में ऐसे बच्चों का आना शुरू हुआ। हम इसे व्यावसायिकता से बिल्कुल दूर रखते हैं और प्रत्येक वो व्यक्ति जो ऐसे बच्चों की सहायता करना चाहता है उसको निमंत्रण देते हैं कि वो हमारे साथ आए, क्योंकि जब अच्छा कार्य होता है तो उसे किसी ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं होती। आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और प्रज्ञानम से एक दिन ऐसे संघर्षशील बच्चे बड़े डॉक्टर और इंजीनियर बनके उभरेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और इसके लिए हम आपसे भी ये चाहते हैं कि इस संस्थान के बारे में आप हर किसी को जो आपके जानकारी में है और उसके बाद ऐसी सहायता की आवश्यकता रखते हैं और खुद प्रतिभावान हैं,
उन बच्चों को हमें सौंपें। हम पूरी जिम्मेवारी के साथ उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रज्ञानम के बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स ने बतलाया। इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट के बारे में ना कभी सोचा ना कभी देखा। यहाँ निस्वार्थ रूप से डॉक्टर के डी शर्मा सर और सिंथेसिस के डायरेक्टर ने समाज को उन्नति की ओर ले जाने के लिए इस संस्थान का उत्थान किया है। और हम देखते हैं कि लोग रुपए के पीछे भागते हैं, लेकिन ये रुपए के पीछे नहीं भाग रहे हैं। यदि हम किसी गरीब को रुपए दें तो वो उसके कुछ समय के लिए काम आएगा, यदि हम गरीब को शिक्षा दें तो वो उसके पूरे भविष्य को निर्धारित करता है। मेरा नाम नक्की स्वामी है, मैं क्लास 12th से हूँ और मैंने बायो ले रखी है। मैं यहाँ प्रज्ञानम में पिछले साल भी पढ़ती थी और यहाँ पर टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो हमारी अच्छी तरह से सहायता करते हैं, चाहे घर पर कोई प्रॉब्लम हो या स्कूल की प्रॉब्लम हो, और क्लास के अलावा अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो वो क्लास के अलावा भी हमें समझा देते हैं और सारी मतलब बायो में और ट्रिक्स वगैरह बताते हैं हमें, जिससे इजीली याद हो जाता है। और फिजिक्स में भी सर सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवा देते हैं जो जो नहीं आता वगैरह। और केमिस्ट्री में भी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारी मतलब रिएक्शंस वगैरह अच्छे से याद करवा देते हैं और जो जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो भी हमें अच्छे से बता देते हैं। और जो नीट में है या जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है वो हमें लिखवा देते हैं, और जो ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है उसका भी बता देते हैं कि इसे एक बार रिपीट कर लेना चाहिए, इसे सही से याद कर लेना चाहिए। मैं कक्षा 11 से यहाँ पर पढ़ाई कर रही हूँ। यहाँ हम नीट की तैयारी कर रहे हैं और हमारे हर सप्ताह में नीट और बोर्ड के एग्ज़ाम है, उसका पेपर होता है। इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं। यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, जिनसे हमें डायरेक्ट कंपटीशन लेवल की पढ़ाई करवाते हैं और काफ़ी अच्छी हमारी क्लासेस चलती है। यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है।